हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो मोस्ट अवेटेड रेट्रो लुकिंग बाइक्स का। एक रहने वाला है यामाहा XSR 155 और दूसरा रहने वाला है होंडा CB 150R। तो ये जो दोनों ही बाइक्स है ये काफ़ी मतलब अवेटेड चल रही है, काफ़ी टाइम से इसका वेट चल रहा है इंडियन मार्केट में। और XSR जो है वो जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो लॉन्चिंग डिटेल्स वगैरह सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको कौन सी बाइक परचेस करनी चाहिए और आपको कौन सी बाइक के लिए वेट करना चाहिए वो आप इस वीडियो को देख लें, आपके जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगी। क्योंकि दोनों ही जो बाइक्स है वो काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आने वाली है, और दोनों में ही जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखते हैं तो आपको वहाँ पे मतलब होंडा CB 150R काफ़ी टाइम से सेल हो रहा है, और XSR को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लॉन्च हुए। तो दोनों बाइक्स में जो कंपटीशन है वो काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों का ही डिफरेंस आप अच्छे से जान लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में। तो यामाहा XSR में आपको जो इंजन है वो 155.1 cc का 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड SOHC इंजन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं होंडा CB 150R का, तो उसमें आपको 149.1 cc का 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं दोनों के इंजन के बारे में, तो आपको XSR में जो है फ्रेंड्स वो आपको SOHC इंजन मिलता है, और होंडा में आपको DOHC इंजन मिलता है। तो DOHC जो इंजन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है इफ़िशियंसी के मामले में, अगर आप उसे कंपेयर करते हैं SOHC इंजन से। तो SOHC इंजन से ज़्यादा अच्छा होता है DOHC इंजन, क्योंकि उसका जो रिफाइनमेंट है और वो और भी ज़्यादा स्मूथ होता है, तो काफ़ी अच्छा वो इंजन हो जाता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप बात करते हैं तो होंडा यहाँ पे आगे निकल जाता है इंजन के मामले में, क्योंकि उसमें आपको DOHC इंजन मिल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं दोनों के पावर फिगर्स के बारे में, तो पावर फिगर्स के मामले में भी होंडा आगे निकल जाता है, क्योंकि होंडा में आपको 20 bhp का पावर मिल जाता है और 15 Nm का टॉर्क मिलता है। और अगर हम बात कर लेते हैं XSR की, तो XSR में आपको 19.3 bhp का पावर मिलता है और 14.7 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। तो होंडा का जो इंजन है वो देखा जाए तो फ्रेंड्स कम cc का भी है, मतलब 5 से 6 cc कम मिलता है और पावर भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इसका रीज़न है DOHC इंजन है, इसीलिए फ्रेंड्स ये कम cc का होने के बाद भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके देता है एज़ कम्पेयर टू XSR। तो यहाँ पे फ्रेंड जो है वो होंडा आगे निकल जाता है इंजन और पावर के मामले में। बट अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस का, तो वो रहने वाला है फीचर्स का। तो यामाहा XSR में आपको VVA मिल जाता है और असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, जो कि आपको CB 150R में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स देखा जाए तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर हो जाता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है राइडिंग के टाइम पर। आपको इसमें कंपनी VVA जो ऑफर करती है वो 7300 RPM के बाद 2 extra bulbs ओपन हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा आपको टॉप एंड देखने को मिल जाता है यामाहा XSR में। अगर आप बात करते हैं असिस्टेंट स्लीपर क्लच का, तो स्लीपर क्लच भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्रेसिव डाउनशिफ्ट्स करने में, और जो स्मूथनेस है वो मतलब क्लच का वो काफ़ी बढ़ जाता है स्लीपर क्लच के रहने से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स XSR जो है वो आगे निकल जाता है CB 150R के कंपैरिजन में। अगर हम बात कर लेते हैं पावर टू वेट रेशियो के बारे में, तो पावर टू वेट रेशियो आपको ज़्यादा अच्छा CB 150R में देखने को मिलता है, क्योंकि उसका जो वेट है वो 126 kg का है और XSR का वेट 134 kg का है। तो CB 150R जो है वो लाइट वेटेड भी है और इसका पावर भी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है, तो इनिशियल जो पंच है वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा CB 150R में। अगर हम बात कर लेते हैं दोनों के डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में और मीटर कंसोल वगैरह के बारे में, तो दोनों ही डिज़ाइन में बिल्कुल रेट्रो लुक में रहने वाली है, बट मीटर कंसोल में काफ़ी डिफरेंट है। XSR में आपको बिल्कुल ही राउंड शेप का मीटर कंसोल मिलता है, और CB 150R में आपको नॉर्मल सा जो LCD स्क्रीन होता है वही मिलता है रेक्टेंगुलर शेप का। तो अगर आपको लुक्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो XSR का जो मीटर कंसोल है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लुक्स से ज़्यादा मैच करता है, और पूरा ही रेट्रो एक डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है बाइक को। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं फीचर्स का, तो फीचर्स दोनों में ही आपको सेम मिल जाता है, बट XSR का जो मीटर कंसोल है वो ज़्यादा प्रीमियम लगता है मुझे CB 150R के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो लुक्स के हिसाब से XSR थोड़ा आगे निकल जाता है। अगर बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक के बारे में, तो XSR का जो फ्यूल टैंक है वो 10 liters का है और CB 150R का जो फ्यूल टैंक है वो 8.5 liters का ही है। तो ज़्यादा आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा आपको XSR का फ्यूल टैंक। और अगर हम बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज के बारे में, तो दोनों में ही फ्रेंड्स आपको 45 से 50 के अप्रॉक्स में माइलेज देखने को मिलेगा। माइलेज में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही बाइक्स अप्रॉक्स में आपको सेम ही माइलेज प्रोड्यूस करके देगी। अब बात कर लेते हैं कि प्राइसिंग क्या कुछ रहेगा जब दोनों बाइक लॉन्च होगी तो, और कब तक लॉन्च होगी। तो XSR का फ्रेंड्स जो लॉन्च है वो जुलाई से अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा 2021 में ही,
और अगर बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की, तो उसका जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस है वो 1,40,000 से 1,50,000 रुपीज़ के बीच में आपको एक शोरूम देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं CB150R का, तो वो इस ईयर के एंड तक लॉन्च होने का उसका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मतलब पहले आपको XSR देखने को मिलेगा, उसके बाद ही जो होंडा है वो अपनी CB150R को इंडिया में लॉन्च करेगी। तो XSR का जो प्राइसिंग है वो देखा जाए तो आपको CB150R के प्राइसिंग के अप्रॉक्स में ही रहेगा, आपको ज़्यादा मेजर में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 4,000 से 5,000 रुपये का ही डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोनों ही बाइक्स आपको 140 से 150 के अप्रॉक्स में एक शोरूम देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इंटरनेशनल मॉडल के कंपैरिजन में यहाँ पे कम क्या क्या मिलेगा, तो जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेशनल मॉडल में आपको USD फोक्स वगैरह मिल जाता है, एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिल जाता है, डुअल चैनल ABS वगैरह मिल जाता है, तो वो सब आपको इंडिया में मिलने का चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यामाहा काफ़ी ज़्यादा प्राइस कट करती है। तो यहाँ पे आपको मतलब USD फोक्स मिलने का चांसेस नहीं है। अगर बात कर लेते हैं तो और डुअल चैनल ABS का भी मिलने का काफ़ी कम चांसेस है, तो यहाँ पे कंपनी सिंगल चैनल ABS और टेलीस्कोपिक फोक्स ही ऑफर करेगी। तो ये था फ्रेंड्स दोनों बाइक के बीच में डिटेल कंपैरिजन। होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होगी दोनों बाइक्स को लेकर वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।